हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं, अगर कोई आपके फेस के ऊपर पंच कर रहा है तो उससे किस तरीके से आप बच सकते हो और सामने वाले को किस तरीके से अटैक कर सकते हो। दोनों चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। आज हमारे साथ में एक न्यू पर्सन है, मिस्टर सरफराज अहमद, और आपसे कंटिन्यू दोस्तों जो है वो हमारे वीडियो में सरफराज अहमद होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले फेस पंच से किस तरीके से बच सकते हैं। तो पंच करिए, ठीक है ये। तो देखिए दोस्तों, जब कोई फेस पे हमारे पंच कर रहा है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमारी जो नज़र है वो सामने वाले बंदे के ऊपर होना चाहिए, ताकि बंदा क्या मूवमेंट कर रहा है और बंदा क्या अटैक कर रहा है। ठीक है, अटैक करने की कोशिश करो धीरे धीरे। देखिए, जब जिस तरीके से ये बंदा अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो हमको दिख रहा है कि इसका पैर मूवमेंट ले रहा है, तो ये या तो फेस पंच करेगा या सीधा पंच करेगा। ठीक है, हाँ, अटैक करने की कोशिश करो। ठीक है ये, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, धीरे धीरे लाओ, धीरे धीरे लाओ। देखिए, हमने इस तरीके से बंदे का जो पंच है उसको इस तरीके से हटाया। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ। ठीक है, लाओ, अटैक करो। ये हमने यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से पंच हटाया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हाथ है हमारा, इससे हम बंदे को अटैक करेंगे। सिंपल है, फिर बता रहा हूँ। हाँ, अटैक करो। ये हटाया हमने दोस्तों और ये अटैक किया। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको। हाँ, अटैक करो। ये हटाया दोस्तों, हमने क्या करा, देखिए, खुद को प्रोटेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि लाओ धीरे धीरे, हाथ लाना धीरे धीरे लाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हटा दिया है, हमने खुद को भी प्रोटेक्ट किया है। सीधा फेस पे लाओ पंच। सीध देखिए, अगर मैं इस तरीके से हटाऊँ तो हो सकता है कि बंदे का पावर इतना हो कि मैं हटाने की कोशिश करूँ और उससे पहले जो है बंदे का हाथ थोड़ा सा यहाँ से ले, तो उसमें चांसेस ये होते हैं दोस्तों कि जाते जाते बंदे का पंच लग के जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है ना दोस्तों, बंदा तो सामने पंच कर रहा है, तो हो सकता है ना कि पंच जाते जाते थोड़ा सा लग जाए। ठीक है, तो हमको पूरा प्रोटेक्ट करना है। पूरा प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अटैक करो। ये हमने क्या करा, हमारा फेस को भी चेंज किया, इधर साइड में हमने रोका इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हमको रोकना है ये। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने ये किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पंच है ये लेके बिल्कुल इस तरीके से अटैक कर देंगे। ठीक है, ये होगा पहला डिफेंस, अटैक करो। ठीक है ये, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बता दूँ किस तरीके से अटैक होगा। ठीक है, करो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पहला डिफेंस। इसकी सेकंड टेक्निक बताता हूँ, उसी तरीके से अटैक करो, धीरे धीरे लाओ। ठीक है, ये हमने रोका दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, उसी तरीके से रोका, लेकिन ये जो हाथ है, अब हम क्या करेंगे, बंदे को यहाँ मारेंगे। बंदे का जो दोस्तों कान है ना, ये काफ़ी वीक होता है। अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे ये मारा, यहाँ पे हम पंच नहीं कर रहे दोस्तों, हमारा जो हथेली वाला हिस्सा है काफ़ी हार्ड होता है, उससे हम यहाँ पे इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और ये जो हाथ है दोस्तों, ये पीछे लेके फिर हम इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। बंदा सीधा ज़मीन पे आएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, बंदा सीधा ज़मीन के ऊपर आने वाला है। ठीक है, अटैक करो। ये किया, ये किया। ठीक है, अगेन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, करो, ये रोका, ये। ठीक है, तीन अटैक आपको करना है दोस्तों, आपको फिर थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हाथ लाओ आगे, धीरे धीरे लाओ। ये हमने प्रोटेक्ट किया, ये हाथ ले जाके दोस्तों यहाँ पे यहाँ मारा और ये यहाँ मारा। ठीक है, तीन अटैक होना चाहिए आपके चंद सेकंड के अंदर, और डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड। आपको बता दूँ, सेल्फ डिफेंस के अंदर मैटर करता है आपकी स्पीड। जितनी आपकी स्पीड होगी उतना आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड नहीं अच्छी है तो आप लिख लीजिए, आप मार खा लोगे, क्योंकि बंदा भी दोनों हाथ लेके आया है। ऐसा नहीं है कि उसने एक हाथ पीछे रख लिया है तो वो एक हाथ पीछे से यूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रोड फाइट के अंदर कोई नहीं देखा जाता है कि बंदे को कहाँ लग रही है। सामने वाला एनिमी कभी नहीं सोचेगा कि आपको कितनी चोट आ रही है, वो तो आया ही आपको मारने है ना, तो वो थोड़ी एक हाथ से लड़ने वाला है, तो इसीलिए चंद सेकेंडों में होना चाहिए। ठीक है, अटैक करो। ठीक है, ये मतलब बंदे को दोस्तों मौका नहीं मिलना चाहिए कि आपने अटैक कर दिया, इस तरीके से होता है। अब यही चीज़ मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, इस साइड से आ जाओ, अटैक करने की कोशिश करो। ठीक है, ये रोका दोस्तों हमने। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करो, ये अटैक यहाँ किया, और उसके बाद में ये जो पंच है उससे ये पंच किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको डिफेंस करना है। करो अटैक, ये। ठीक है, इस तरीके से, मतलब आपके जो पंच है वो इतनी स्पीड से लगना चाहिए कि अटैक करने वाले को ना समझ में ही नहीं आए कि क्या हो गया, ये अटैक कैसे होगा इतने ज़्यादा। ठीक है, हम पहले कभी भी अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन
अगर कोई हमारे पे अटैक कर रहा है तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। फिर बता रहे, अटैक करो, ये पहला डिफेंस, ठीक है। दूसरा में बताएंगे, ये मारा और ये, ठीक है। तो बड़े आसानी से दोस्तों जो है वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।